बीते दिन अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य का रिजॉर्ट ढहा दिया गया। अब UKSSSC नकल माफिया हाकम सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। हाकम सिंह रावत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है। वहीं अब उसके आलिशान रिजॉर्ट पर धामी सरकार का बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है कि हाकम सिंह रावत ने मौरी ब्लॉक के साकरी जखूल में राजस्व विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से रिजॉर्ट बनाया। वहीं कागजात पूरे न होने पर भी रिजॉर्ट अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। उत्तरकाशी और उत्तराखंड सरकार ने जहां एक और सभी रिपोर्टों की जांच के आदेश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी के गंगोत्री सहित यमुनोत्री धाम में बने राजस्व भूमि पर रिजॉर्ट के मालिकों में हड़कंप मच हुआ है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में प्रशासन हाकम सिंह की सारी अवैध कुंडली खंगालने में जुट गई है। इस दौरान जितनी अवैध संपत्ति निकलेगी उस पर प्रशासन ध्वस्तीकरण का कार्य करेगा। वहीं तहसील मोरी के सांकरी में स्थित रिजॉर्ट के अतिक्रमण को लेकर राजस्व और वन विभाग की टीम ने जमीनी सत्यापन किया। SDM पुरोला देवानंद शर्मा ने बताया सरकारी भूमि के अतिक्रमण कर रिजॉर्ट बनाए जाने की जांच रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है, जिसका गहनता से चिन्हांकन किया गया, उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आज तहसील मोरी के सांकरी गाँव में श्री हाकम सिंह, जो पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी है, उनके द्वारा किए गए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की चिन्हांकन किया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा जो है सरकारी भूमि पर रिजॉर्ट बनाया गया है। आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।